हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं वेब में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो वीडियो पॉज करो और कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो देखो कहाँ कमी है, कहाँ लैक है, तो उस टाइप से उसको सॉल्व करके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। टू वेव्स है जिसकी आप लेंथ दिया हुआ, वेव्स ऑफ लेंथ मतलब वेव लेंथ। एक की जो वेव लेंथ है लैम्डा 1 है और वो है 50 सेंटीमीटर, और दूसरे की वेव लेंथ लैम्डा 2 वो है 51 सेंटीमीटर। दो हमारे पास वेव है, प्रोड्यूस 12 बीट्स। बीट्स क्या होता है हम सबको पता है, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, मतलब F1 माइनस F2 का जो मॉड है वो हम लोग को दिया हुआ है 12 बीट्स। अपड़े हो गए, सुपर पोजिशन का एक फिनोमिनन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम सबको पता है जो साउंड की वेलोसिटी होती है या किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। अब यहाँ से मुझे लैम्डा दिया है तो स्पीड हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ फिर F1 की वैल्यू रख दो, तो F1 की वैल्यू रखो तो V अपन लैम्डा 1 माइनस V अपन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12, मतलब V इसमें से कॉमन आ गया और 1 अपन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा देखो लैम्डा मैं 50 ले लेता हूँ और माइनस 1 अपन 51 एंड इज इक्वल टू 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो V इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लो तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 51 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनली 306 आ जाएगा, 306 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव की एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को एनालिसिस करके हमें मैक्सिमम लैम्डा, एक स्पेशल लैम्डा के लिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, टू टाइम्स द वेव वेलोसिटी। हम सबको पता है जब वेव चलती है तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होता है, एसएसएम करता है ट्रांसवर्सल वेव में अप एंड डाउन, और जो वेव है वो आगे प्रोपोगेट होती है एसएसएम वेलोसिटी के पार्टिकल के परपेंडिकुलर आगे जाएगी। ठीक है, बराबर है। अब जो कंडीशन दिया उसे हम सॉल्व करते हैं। अब सबको, हम लोगों को यहाँ पे ये दिया हुआ है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। जब पार्टिकल जब ट्रांसवर्सल वेव प्रोपोगेट करती है तो वेव तो अपनी इधर जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है, और उस ऑसिलेशन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो हम सबको पता है इज इक्वल टू ए ओमेगा। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, और ओमेगा एक कांस्टेंट है, और वेव की वेलोसिटी भी इज इक्वल टू ओमेगा अपान के होती है, ये आप सबको पता है। यहाँ से जो कंडीशन दिया उसको लगा देते हैं तो टू टाइम्स द वेव वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी मैक्सिमम टू टाइम्स वेलोसिटी। ये यहाँ से मैं ए ओमेगा इज इक्वल टू टू ओमेगा और के लिख सकता हूँ, ओमेगा ने ओमेगा को ख़त्म कर दिया, तो ए के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये क्या है? एम्पलीट्यूड। अब जो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें यहाँ पर जो साइन के पहले या कॉस के पहले ये जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, तो वाई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो वाई नॉट अगर एम्पलीट्यूड है तो यहाँ से मैं वाई ए की वैल्यू वाई नॉट रख देता हूँ के। अब k को थोड़ा सा इसको सही से लिख लो तो y इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें y नॉट साइन साइन, और इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई वी टी लैम्डा माइनस 2 पाई लैम्डा एंड x। दिस इज द एक इस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल गया। इसको स्टैंडर्ड जो वेव हम इक्वेशन पढ़ के आए थे उससे कंपेयर कर दो तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो, तो यहाँ इन इन दोनों में अगर कंपेरिजन हो जाएगा तो हमें k की वैल्यू, देखो यहाँ से k की वैल्यू x की कोफिशियंट, k की वैल्यू कितनी है 2 पाई लैम्डा यहाँ आ गया हमारे पास, तो ये मैं यहाँ पे k की वैल्यू रख देता हूँ 2 पाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2। हमें वेव लेंथ पूछा था तो 2 ने 2 को, तो यहाँ से जो लैम्डा इसको सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा आ जाएगा वो पाई वाई नॉट के
इक्वल आ जाएगा. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज डी ऑप्शन हम लोग का सही है, यही पूछ रहा था. चलो ये जो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो. इसमें कहता है कि ये बेसिकली एक डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम है. कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी या फिर एंड सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी जो है वो एन दिया हुआ है, सोर्स 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है, ऑब्जर्वर रिसीव साउंड एन प्लस वन. चलो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. इसमें कहता है ये व्हीकल मूव कर रहा है, उसने हॉर्न जनरेट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी एन पहले से दी हुई है यार क्वेश्चन में. अब वेलोसिटी ऑफ जो है व्हीकल की 30 मीटर पर सेकंड है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन जॉइन द ऑब्जर्वर एंड व्हीकल. मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो. अगर यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या करेगा, साउंड को सुनेगा, ऑब्जर्वर है. अब जो ये एक्स एक्सिस है, जो सोर्स ऑफ साउंड है, वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इधर की डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा, ऊपर है, वो है 30 मीटर पर सेकंड, बराबर है. अब ये 30 मीटर पर सेकंड से है और ये इसे 90 डिग्री पर है, वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है ऑब्जर्वर. कहता है जो व्हीकल इधर जा रही थी उसने फ्रीक्वेंसी जनरेट किया एफ या एन जनरेट किया यहाँ पे, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिला n प्लस एन वन मिला, तो n वन की वैल्यू हम लोग को निकालनी है यार. तो इसको आप अगर डॉपलर इफेक्ट पढ़े होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, और मैं कई बार बताया भी हूँ कि अगर जो सोर्स है इस लाइन पर मूव कर रहा है, समझना, और जो ऑब्जर्वर है इस लाइन पर मूव कर रहा है, कहने का मतलब है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने n फ्रीक्वेंसी जनरेट किया था तो इसको भी तो n मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसको n प्लस n डैश मिला, तो n प्लस n1 मिला इसको, तो n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तभी जाके तो डॉपलर इफेक्ट सही होगा. मतलब बी ऑप्शन सही है, क्लियर है. या नहीं तो थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ. इसको मिला जो हम लोग पढ़ा, जो मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, इसको मिला एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. और ये जब इसका डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे या कई बार एक क्वेश्चन में आया है, तो ये जितने वैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, तीन वैक्टर हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो ये तीनों एक ही लाइन में थे यार, एक ही स्ट्रेट लाइन में थे. तो इस अब स्ट्रेट लाइन में थे तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर मैं इंप्लीमेंट करूँ, तो मान लो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिला वो मिला n प्लस n डैश मिला, क्वेश्चन कर रहा है n प्लस n1 मिला अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. अब इसका मतलब ये हुआ जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको ऐसे आएगी पॉजिटिव x एक्सिस के, वो मैं इसको भी दे. अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी माइनस जीरो चला जाएगा, और भी सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स तो ऊपर जा रहा है, तो सोर्स इस डायरेक्शन में जिधर मैं साउंड लिया इस डायरेक्शन में, सोर्स की कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यार, सोर्स की कंपोनेंट की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो, और इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एन, तो वी ने वी को कट गया. इसका मतलब एन प्लस एन डैश इज इक्वल टू एन, इसका मतलब ये हुआ कि n डैश की वैल्यू जीरो होगी, बराबर है. तो कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैंडिंग वेव हैविंग थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. स्टैंडिंग वेव क्या होता है, उसकी जो ऑसिलेशन या जो वाइब्रेशन है, एनर्जी पर्टिकुलर रीजन में फिक्स होती है. तो स्टैंडिंग वेव थ्री नोड्स और टू एंटी नोड्स बने हैं बिटवीन टू एटम्स. अब एक एटम यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ और एक एटम मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ. हम सबको पता है कि जहाँ पर स्ट्रिंग है, जैसे आप स्ट्रिंग ऑसिलेशंस पढ़े होंगे, एक स्ट्रिंग पॉइंट यहाँ है, एक स्ट्रिंग पॉइंट यहाँ है, दो स्ट्रिंग दोनों साइड बधी हुई है, तो यहाँ पर ऑलवेज नोड ही बनता है, और यहाँ पर भी ऑलवेज नोड बनता है कुछ ऐसा. अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है तीन नोड्स हैं, तो एक नोड तो यहाँ हो गया, एक नोड तो यहाँ हो गया, एटम्स है वहाँ पे, और एक नोड इनके बीच हो गया, तो तीन नोड हो गए, और दो एंटी नोड,
तो एक एंटी नोड मान लो यहां आ गया और एक एंटी नोड यहां आ गया, बराबर है। चलो तो कुछ ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा व्यू बना देता हूं, दिस टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव जिसमें दो एंटी नोड है और तीन नोड एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉन है, बहुत ही कम डिस्टेंस है एटम के बीच 1.21 एंगस्ट्रॉन। वेव लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, इनके वाइब्रेशन से, ये वाइब्रेशन एटम्स हम सबको पता है ये वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इनके वाइब्रेशन से जो वेव लेंथ जनरेट हुई उस स्टैंडिंग वेव लेंथ की हमें लैम्डा निकालनी है, बराबर है। चलो तो हम सबको पता है कि अगर यहाँ देखो, यहाँ नोड है, यहाँ एंटी नोड है, फिर यहाँ नोड आ गया, फिर यहाँ एंटी नोड आ गया, फिर यहाँ नोड आ गया, तो 1, 2, 3, 4 हम सबको पता है कि ये जो है एक नोड और एक एंटी नोड की बीच की जो डिस्टेंस होती है लैम्डा, जो डिस्टेंस होती है वो आ जाएगी हम लोगों को, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई 4 होती है। तो 1, 2, 3, 4 तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 4 आ गया, और ये पूरा डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ, तो 4 ने 4 को ख़त्म कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉन इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल था, सी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द सिनुसाइडल वेव है हैविंग द टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो 0.17 सेकंड लगता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब एक हमारे पास सिनुसाइडल वेव है, तो सिनुसाइडल वेव कैसी, मतलब इस टाइप से ट्रांसवर्सल वेव है, ये एक सिनुसाइडल वेव है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसमें जब हम सबको पता है जब वेव चलती है तो इधर एनर्जी प्रोपोगेट होती है और वाई एक्सिस के एलोंग उसके पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, SSM करते हैं। अब मूव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा क्या है, ये वेव लेंथ है लैम्डा, ये पूरा वेव लेंथ है लैम्डा और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और जीरो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने में 0.1 सेकंड लगा, मतलब यहाँ से ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम पीरियड 0.17 सेकंड, दिस इज द टी दिया हुआ, ये जीरो है यार और ये मैक्सिमम है, तो जीरो से मैक्सिमम होने से ये वाला जो टाइम पीरियड है जिसको मैं कुछ अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ ये जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है 0.1 सेकंड। अब तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव निकालना, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला जो है फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो वेव की जो यहाँ से डिस्टेंस डी, ये वाली जो अगर ये लैम्डा है तो ये पूरा लैम्डा बाई 2 है और ये लैम्डा बाई 4 है, मतलब लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस होने में इतना टाइम लगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये भी लगा सकते हो आसान तरीके से। तो डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाई 4 और स्पीड, किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है यार, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ, टाइम पहले से पता है 0.1 सेकंड, तो लैम्डा ने लैम्डा को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 और मल्टीप्लाइड 0.17 यहाँ। तो पूरा इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रॉक्स, पूरा इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1.47 सेकंड आ जाएगी, 1.47 हर्ट्स आ जाएगी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अब इसको टाइम पीरियड के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम सबको पता है कि अगर यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ तक एक वेव लेंथ कम्प्लीट करने में टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड है, और ये जो टाइम है वो टाइम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टाइम टी बाई 2 लगता है, तो लैम्डा बाई 4 में जो टाइम है वो टी बाई 4 लगता है, तो टी बाई 4 का जो टाइम है वो स्मॉल टी है और 0.1 दिया हुआ 0.17 सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी वो 0.17 मल्टीप्लाइड बाई 4 के इक्वल आ जाएगी यार। तो अगर टाइम पीरियड इतना है तो टाइम पीरियड का जो इन्वर्स होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है 1/ टाइम पीरियड, तो 1/0.17 और मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें आएगा 1.47 हर्ट्स, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ द सोल्यूशन। आई होप कि ये जो है वो बहुत ही आसान मेथड है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, दैट इज सी ऑप्शन सही है।
चलो, स्टैंडिंग वेव आर प्रोड्यूस इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जिसकी जो लेंथ है, चलो ये मेरे पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ऑलरेडी 10 मीटर दिया हुआ है, बराबर है। चलो अब इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट, समझना 5 सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है और जो वेव बना उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है फ्रीक्वेंसी निकालना, आसान क्वेश्चन है, स्ट्रिंग को 5 पार्ट में ब्रेक कर दो। तो 5 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से 5 सेगमेंट में ब्रेक हो रही है। एक मैंने स्ट्रिंग को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 लूप में वाइब्रेट कर रही है। तो हम सबको पता है कि 5 सेगमेंट में अगर ब्रेक करे तो यहाँ नोड होता है, यहाँ नोड होता है, यहाँ नोड होता है, यहाँ भी नोड होता है, यहाँ भी नोड होता है और यहाँ भी नोड होता है, बराबर है। तो ये वाली जो है वो एक नोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 होता है। तो पूरी जो लेंथ है वो लैम्डा बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 5 के इक्वल होगी। ये बात समझ में आ गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेगमेंट की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ। अब एक लूप के दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 होता है, तो लैम्डा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डेट इज टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 10, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू 20/5, मतलब 4 मीटर जो वेव लेंथ आ जाएगा, दिस इज द वेव लेंथ लैम्डा। चलो अब आसान हो गया, स्पीड दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी निकालना है, लैम्डा निकली गया, तो जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ के इक्वल आ गया। तो स्पीड आ जाएगा 20 और फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, लैम्डा हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज के इक्वल आ जाएगा, 20/4 दैट इज 5 हर्ट्ज, दैट इज ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, एक कहता है सिलेंड्रिकल ट्यूब है ओपन एट बोथ एंड। हम सबको पता है कि हम 2 ट्यूब पढ़ के आए थे, एक था ओपन एंड ओपन ट्यूब जो दोनों साइड खुला होगा और एक होगा क्लोज ट्यूब जो एक साइड खुला होगा और एक साइड बंद होगा। अब ये जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब जो ओपन दोनों साइड खुला हुआ, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर इसमें हम वेव जनरेट करें, कोई फ्लूइड डाल दें, एयर, कोई ना कोई तो फ्लूइड रहेगी ना भाई, या लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करने के लिए जनरली एयर ही इसके पाइप के अंदर होता है, पर आप इसमें वाटर या कोई भी फ्लूइड डाल सकते हो। तो अगर मैं इसमें वेव जनरेट करता हूँ तो अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग वेव होती है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है हम सबको पता V/2L होती है, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा है। अब हमने क्या किया, ट्यूब को वाटर में डुबा दिया यार, जो ट्यूब दोनों साइड खुला था उसको मैंने पानी में डुबा दिया और ऐसा डुबाया कि आधा ही डुबाया यार, बराबर है। तो अगर मैं इसको पानी में सबमर्स कर दूं, वाटर में डुबा दूं, चलो एक कंटेनर में वाटर में सबमर्स कर दो, तो इसके अंदर यहाँ तक हाफ वाटर फिल हो गया, मान लो ये लेंथ L/2 आ गया, बराबर है। तो ऊपर से जो अब है वो L/2 है। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, अब अगर मैं इसमें वेव जनरेट करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी भाई, इधर समझना, इधर एयर है इधर वाटर है, तो ये डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, तो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करने की वजह से इधर एयर है और इधर नीचे वाटर है, तो ये एक इस तरह से बिहेव करेगा जैसे क्लोज्ड ट्यूब की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ट्यूब की तरह बिहेव करेगा जिसका एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है। तो अब ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी L/2 क्योंकि आधा तो पानी में डूब गया। तो अब मैं वेव जनरेट करता हूँ तो क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि ये बिहेवियर ऐसा कर रहा है, बिहेव ऐसे कर रहा है, क्लोज ट्यूब की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लोज ट्यूब की जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो V/4L होती है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी F′ = B और 4L, अब L यहाँ से ऊपर से ये क्लोज ट्यूब की तरह बिहेव करेगा और ये L/2, तो 2 ने 2 को मतलब ये आ जाएगा V/2L F′। तो ये हमें आ गया किसके केस में, आधा सबमर्स मतलब हाफ लेंथ L/2 का क्लोज्ड ट्यूब और ये
पूरी लेंथ का ओपन ट्यूब। अब फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर दो, तो वी बाई टू एल की फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल है, मतलब जो फाइनल सोल्यूशन है वो डी ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द इक्वेशन ऑफ ए साउंड वेव, अगर कोई साउंड वेव है उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है 0.01 साइन, ये सारे लंबे इक्वेशन है देख रहे हो। अब वेव लेंथ निकालना है, इस इक्वेशन से हमें वेव लेंथ निकालना है। यार वेव लेंथ कैसे निकालते हैं? तो वेव लेंथ निकालने का जो तरीका है, डायरेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता हो तभी भी निकाल सकते हो। या देखो मैं अब हम लोग को कैसे करना है इसको, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो। अब इस शॉर्टकट में मैं आपको बताया था कि अगर हमें वेवलेंथ निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता हो और मुझे स्पीड पता हो तो वेवलेंथ तो पता चल ही जाएगा ना भाई। तो अब मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक बताया था कि डायरेक्ट वेव की स्पीड कैसे निकालते हैं, कोफिशियंट ऑफ टी और डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ टी कितना है 360 और कोफिशियंट ऑफ एक्स 62.4 है, दैट इज द स्पीड। तो ये हमारे पास स्पीड डायरेक्ट आ गया। चलो फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी इस स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इसका इन दोनों में कंपेरिजन हो जाए तो ओमेगा की वैल्यू 316 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 316 और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π फ्रीक्वेंसी और ये आ जाएगा 316, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 316 और डिवाइडेड बाई 2π। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्पीड। इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, पुट दिस टू वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इनको उठा के यहाँ पे डाल दो यार। तो स्पीड है 316 और ये आ जाएगा 62.4 बराबर है इज इक्वल टू, हमें फ्रीक्वेंसी 316 और ये 2π और ये आ जाएगा लैम्डा। अब इसको काट कूट लो, 316 है 316 को जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2π और 62.4, तो 62.4 और 2π में डिवाइड करोगे तो फाइनली जो है वो 0.1 यूनिट आ जाएगी, मतलब हम लोगों का सी ऑप्शन सही है ना। आसान पहले मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन आता था। चलो साउंड वेव हैविंग फेज डिफरेंस 16 हैविंग पाथ डिफरेंस, अगर एक साउंड की वेव है जिसमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो डेल्टा फाई 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई अपॉन 118 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। दिस इज द फेज डिफरेंस, तो हम लोग को पाथ डिफरेंस निकालना है। तो आप जब वेव पढ़ी रहे हो तो हम बहुत पहले से ही पढ़ के आए हैं बहुत ही अच्छा इक्वेशन वेव में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस ऑलरेडी आपको यहाँ मेंशन है, दैट इज पाई बाई 3 एंड इज इक्वल टू 2π एंड दैट इज लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स जो कि पाथ का डिफरेंस है। तो पाई ने पाई को, तो डेल्टा एक्स जो कि पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 6 के इक्वल आ जाएगा, तो लैम्डा बाई 6 दैट इज ए ऑप्शन हम लोग का सही है बराबर है। चलो वीडियो पॉज करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है कि द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 सेंटीमीटर है, वेयर शुड टू ब्रिज बी प्लेस बिटवीन द फ्रॉम द ए टू डिवाइड द वायर इन 3 सेगमेंट हुन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या रेशियो दिया हुआ। सोनोमीटर का कॉन्सेप्ट अब पढ़ के आए होगे जिसमें एक स्ट्रिंग है दोनों साइड अटैच है वो वाइब्रेट करती है, इस टाइप का ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। एक स्ट्रिंग है और ये दोनों साइड वाइब्रेट करती है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वन लूप में 1/2L और T/μ अंडर रूट, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब देखो जो दिया हुआ पहले उसको कॉपी करो। फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ F1 रेशियो F2 रेशियो F3 रेशियो इज इक्वल टू 1:2:3। पहले कह क्या रहा वो समझो, ये तो दिया हुआ था। अब हमें दो ब्रिज लगाना है, जैसे मान लो ये सोनोमीटर वायर है और यहाँ पर मैंने दो ब्रिज लगाया
जिससे थ्री सेगमेंट में स्ट्रिंग डिवाइड हो गई। मान लो एक ब्रिज में यहाँ लगाया और एक ब्रिज यहाँ लगाया। अब स्ट्रिंग थ्री लूप में वाइब्रेट करेगी, थ्री सेगमेंट में डिवाइड हो गए, तो कुछ ये इस टाइप से थ्री सेगमेंट में स्ट्रिंग डिवाइड हो गई। ये अब जो ये L1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक L1 है, समझना, थ्री सेगमेंट। ये L2 है ये वाला लेंथ, और ये L3 है। हम लोग को ये निकालना है कि ये जो ब्रिज लगाया हूँ, ये पहला ब्रिज L1 की लेंथ निकालना है, और दूसरा ब्रिज ये पॉइंट A से कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ये सोनोमीटर का कॉन्सेप्ट।